पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद हाय 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 हाय। आतंकवाद हाय 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 हाय। आतंकवाद हाय हाय। इसीलिए फड़े उल्टा। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद हाय हाय। 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 भारत माता की। भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की। बड़ा आतंकी हमला हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, और ये आतंकवादियों ने पाकिस्तान के जैशे मोहम्मद, लश्करे तोयबा और आतंकवादियों ने पाकिस्तान की आईएसआई ने किया है। इस बात को लेकर के आज हमारे बहादुर जाबाज, जेसीओज, अफसर्स और 5 जवान शहीद हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए हर रोज। जम्मू में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, और साथ में आप ये देखिए कि पहले पुंछ, राजौरी, कठुआ, हीरानगर, सांबा, डूडू बसंतगढ़, उधमपुर और अब डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा में आतंकी हमले हो रहे हैं। आपकी सरकार फेल हो चुकी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कहां से ये आतंकवादी आते हैं? कौन से बॉर्डर्स, कौन से दरवाजे आपने खोल करके रखे हुए हैं जहां से ये आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, शहादतें करते हैं और हमारे मंदिरों की तोड़ फोड़ करते हैं, यात्रियों के ऊपर शिवखोड़ी और माता वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर हमला करते हैं? आज हमारे सुरक्षा बल मातम छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में। हमारे ऑफिसर्स जवान आज डोडा में आतंकवादियों द्वारा शहीद। 1.5 महीने की सरकार में 13 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये पूरे देश के ऊपर हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि जो बुरी तरह से विफल हो रही है आतंकवाद को काबू करने के लिए। और एक ये हम चेतावनी दे रहे हैं, जब तक आखिरी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हो जाता, सुनील डिंपल यूं ही पाकिस्तान के पुतले, झंडे आतंकवादियों के, आईएसआई के, पाकिस्तान की आर्मियों के झंडे जलाते हैं। एलजी सिन्हा का बयान आया है, छोड़ा नहीं जाएगा, नस्तो नबूद किया जाएगा। अरे यार एलजी साहब, आप क्या नस्तो नबूद करेंगे? पूरे जम्मू की आवाम को, राष्ट्रवादी ताकतों को आपने कमजोर कर दिया। वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे ताकत दे करके, अब वो ताकत जो आपने एलजी या चीफ सेक्रेटरी को दी है, उसका मुकाबला क्या एलजी करेगा, क्या चीफ सेक्रेटरी करेगा, क्या पाकिस्तान के साथ जंग चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब करेंगे? ये बहुत साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के वोटरों को कमजोर किया जा रहा है, और आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।